आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। में एक तरफ जहां कपास को रिकॉर्ड रेट मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सोयाबीन के दाम में लगातार गिरावट जारी है। जिन किसानों ने ऊंच दरों की चाह में सोयाबीन स्टॉक कर लिया था, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। वर्तमान में खरीफ सोयाबीन की आवक अंतिम चरण में है, ऐसे में मौजूदा घटती कीमतों से किसान चिंतित हैं कि गर्मी के मौसम में जो सोयाबीन उगाए हैं उसका अब क्या होगा। सोयाबीन की मांग घटने से ये स्थिति और भी विकट हो गई है। सोयाबीन की तरफ जहां अरहर और चने की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। कारोबारियों ने कहा है कि सोयाबीन के आयात से सोयाबीन की कीमतों पर असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग का कहना है कि खरीफ में किसानों को सोयाबीन के बीज के लिए परेशानी नहीं होगी। खरीफ सीजन आने वाला है, भंडारित सोयाबीन भी अंतिम चरण में है, लेकिन गर्मियों के सोयाबीन को लेकर किसान चिंतित है। गर्मी के मौसम में किसान कृषि विभाग के मार्गदर्शन पर इसकी खेती कड़ी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन अब कीमतों में भारी गिरावट शुरू हो गई है। वहीं अरहर और रबी सीजन में सोयाबीन ही नहीं बल्कि चने की कीमतों में भी गिरावट जारी है। 8 दिन पहले से सोयाबीन 7,200 रुपये पर स्थिर है, कुछ मंडियों में 6,800 रुपये का भाव मिल रहा है, जबकि चना और अरहर गारंटेड कीमत पर है। लेकिन केंद्र सरकार के आयात फैसलों से सोयाबीन और अरहर की कीमतों में गिरावट आई है। चने की आवक बढ़ने से ये दर घटकर 4,500 रुपये हो गई है। वहीं खरीफ पर मौसम आने वाला है, इसलिए किसान अब सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोयाबीन बेचने की भूमिका में है। जबकि तुअर और चना की कीमतों में भी पिछले 8 दिनों से कमी आ रही है। ऐसे में किसानों को कृषि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि कुछ दिन स्टोर करके कीमतों में बढ़ोतरी का इंतज़ार करना चाहिए। कृषि जानकारों का कहना है कि सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए किसानों को कुछ दिन उपज ना बेचे, खरीफ में भी उन्हें ये काम आएगा और उन्हें बीजों की कमी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।